अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल व करम से हम बिल्कुल ठीक हैं। और मेरे जितने प्यारे बहन भाई देखने वाले हैं, अल्लाह पाक उन्हें खुश और आबाद रखे, अपनी फैमिली में हंसता मुस्कुराता रखे। तो इसी नेक दुआ के साथ वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमारी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। तो प्यारे अभी ना तकरीबन 11 बजे का टाइम है, तो बादल भी काफ़ी बने हुए हैं, तो बारिश भी आ सकती है। और फिर हम लकड़ियाँ भी बनाते हैं यहाँ से, क्योंकि सुबह सुबह जब हमने नाश्ता वगैरह किया था ना, तो उस वक्त भी बादल बने हुए थे, तो उस वक्त तो बारिश नहीं आई। अभी बारिश, क्योंकि अभी बादल गरज रहे हैं ना, तो बारिश आ सकती है। तो अभी मैं लकड़ी बनाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल करम से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो पहले थोड़ी थोड़ी पार आ रही है, तो अभी ज़ोर से भी बारिश आएगी। तो आप देख सकते हैं झाड़ सुबह सुबह बहुत बना हुआ था, पर बारिश नहीं थी। सुबह सुबह ठंडी हवा इतनी चली हुई थी, तो अब बारिश है। यह कह रहे हैं सर्दियों में हमारी पहली बारिश है आज। हम बहुत सब खुश हैं, पर अम्मी मुझे नहाने नहीं देती, कहते हैं बुखार आ जाएगा। मुझे तो डर लगता है, मैं चलती हूँ अंदर अम्मी के पास। बारिश आ रही है, तो आप देख सकते हैं सब्जियों की पहली बारिश है। तो काफ़ी सारा यहाँ से घाटा झाड़ भी बड़ा है, किमिल भी है, गज भी रहा है। जल्दी करो, जल्दी तो कर रही हूँ। ये बारिश आ रही है फातिमा, बारिश में ना नहाओ, ये सर्दियों वाली बारिश है, मुझे बुखार हो जाएगा। सेब भी मेरे साथ खड़ा हुआ है। फातिमा इधर आ जाओ, ये सर्दियों की पहली बारिश है, तो धूप भी निकली हुई है और बारिश भी आ रही है। बाकी का काम तो हमने अंदर कर लिया है, क्योंकि लकड़ी वगैरह भी उठा के रख ली हैं और किचन भी ढाँप लिया है। अभी तो बारिश ख़त्म हो गई है, क्योंकि ये सर्दियों की बारिश होती है ना, तो हवा तो बहुत ज़्यादा चली हुई है। जैसी हवा चलती है तो बादल कम हो जाते हैं, और फिर जब हवा रुक जाती है तो फिर रिमझिम शुरू हो जाती है।
कभी ख़त्म भी हो जाती है। तो अभी ना 2 बजे का टाइम है, चाय भी बनाते हैं, खाना वगैरह तो हमने खा लिया है, और ऊपर से ये उतार के यहाँ आग जलाते हैं। हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चली हुई है, बारिश आई थी ना, ऊपर से ढाक के रखे हुए थे। थोड़ी सी बाहर निकालते हैं, बाकी की अंदर पड़ी है, वरना फिर बारिश आ जाएगी, फिर अंदर रखनी पड़ेगी। डाल दिया तो काम वगैरह हो जाएगा, तो फिर इसमें हम दूध डालेंगे। अस्सलाम वालेकुम। तो अम्मी अभी चाय बना रही है, क्योंकि बारिश तो ख़त्म हो गई है, तो क्योंकि अभी भी देख रहे हैं तो थोड़ी आ रही है। ये रेम झिम लगी हुई है ना, सर्दियों में चाय पीने का मज़ा भी कुछ और है। सर्दियों में चाय पिए और मज़ा भी बहुत आ रहा है, हाथ चल के रिम झिम भी लगी हुई है और चाय भी पी रहे हैं। अभी हम चाय भी पी रहे हैं और वीडियो का भी एंड करते हैं। तो वीडियो के आखिर में मैं अपने तमाम प्यारे बहन भाइयों के लिए बहुत ज़्यादा दुआ करती हूँ। अल्लाह पाक आप सबको ढेर सारी खुशियाँ दे, अपनी फैमिली में हंसता मुस्कुराता रखे, और जो दुख तकलीफ़ में है अल्लाह ताला उनसे भी निजात दे, और बड़ों का साया भी हमेशा आप लोगों का कायम रखे। इंशाल्लाह हम अच्छे भी लोगों के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।